नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमएससी थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के बारे में चर्चा की जाएगी, आर्म्स रेस एंड डिजर्मेंट के बारे में। ठीक है, यह पेपर जो है तो 85 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर रहेगा। इस पेपर में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा की गई है। ठीक है, एमएससी थर्ड सेमेस्टर डिफेंस स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का यह एमएससी का पेपर है। सबसे पहले इसमें एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का संक्षिप्त शब्द क्या है, शस्त्र नियंत्रण क्या है, साल्ट वन क्या है, निशस्त्रीकरण के प्रकार बताइए, टाइप्स ऑफ डिजर्मेंट की, परमाणु बम का प्रथम प्रयोग कब किया गया था। सेक्शन बी में लघु उत्तरी प्रश्न या कहें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। निःशस्त्रीकरण क्या है, व्हाट इज आर डिसआर्ममेंट, निःशस्त्रीकरण की क्या आवश्यकता है, स्टार्ट वन स्टार्ट टू बताइए, परमाणु शस्त्रों का प्रभाव बताइए, इफेक्ट ऑफ एटॉमिक वेपन्स, परमाणु परीक्षणों का भविष्य भी बताना है, फ्यूचर ऑफ एटॉमिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रथम लंदन नौसैनिक सम्मेलन 21 जनवरी 1930 भी बताना है, फर्स्ट लंदन नेवल मिलिट्री कॉन्फ्रेंस, नौशक्ति मुक्त द्वार संधि भी बताना है, 9 पावर ओपन डोर ट्रीटी, राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे, एम ऑफ द लीग ऑफ नेशन के, और एनपीटी क्या है, ठीक है, व्हाट इज एनपीटी, ये भी बतानी। सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, प्रत्येक प्रश्न के 9 अंक निर्धारित रहेंगे आपके। पहला क्वेश्चन है आपका, परमाणु शस्त्र प्रसार अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है, यह उत्तर कोरिया के संदर्भ में समीक्षा कीजिए। ठीक है, द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस डिस्कस विद रेफरेंस टू नॉर्थ कोरिया, अथवा में है शस्त्रों ने विश्व सुरक्षा को किस प्रकार से प्रभावित किया, व्याख्या कीजिए, हाउ वेपन्स इन्फ्लुएंस्ड वर्ल्ड सिक्योरिटी एनवायरमेंट डिस्कस। अगला क्वेश्चन है, निःशस्त्रीकरण की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, राष्ट्र संघ द्वारा निःशस्त्रीकरण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, भारत की परमाणु नीति की पाकिस्तान से तुलना कीजिए, कंपेयर इंडियास न्यूक्लियर पॉलिसी विथ पाकिस्तान, निःशस्त्रीकरण की सामाजिक उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए, साल्ट वार्ताओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, साल्ट के उदय, सफलता और विफलता की व्याख्या कीजिए, परमाणु युग पर प्रकाश डालिए, एलुडिकेट ऑन न्यूक्लियर एज, आपके मत में क्या पूर्ण निःशस्त्रीकरण पर वैश्विक सर्वसम्मति संभव है, विवेचना कीजिए। यहीं से एमएससी थर्ड सेमेस्टर डिफेंस स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का पेपर समाप्त होता है। अगला पेपर हमारी चैनल पर जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।